सेवन बी का सॉल्व करेंगे, 13 का सेकंड, 5 माइनस 7 पी माइनस वन ग्रेटर देन 2 है, तो बहुत सिंपल है। देखो तो पहले क्या करेंगे, 5 ग्रेटर देन p माइनस 1 लेंगे, तो ये क्या मिलेगा, 5 प्लस 1 ग्रेटर देन p, तो 6 लेस देन p मीन्स क्या है, p लेस देन 6 है ना। और अगर दूसरा कंडीशन लूँ, p माइनस 1 ग्रेटर देन 2, तो ये क्या आएगा, p ग्रेटर देन 2 प्लस 1, तो p ग्रेटर देन 3 आएगा, राइट। तो ये क्या बोलता है, ये मान लीजिए 6 है और ये है 3, तो यहाँ से यहाँ के बीच में लाई करेगा p का वैल्यू, राइट। p ग्रेटर देन 3 है और लेस देन 6, बराबर ना। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड देखो, ये दोनों के लो, तो 7 लेस देन 2p माइनस 1, ठीक है, ध्यान से देख, तो 7 इसको माइनस 1 को लेफ्ट में लेंगे तो प्लस 1 आएगा, लेस देन इक्वल टू 2p, तो 8 लेस देन इक्वल टू 2p, बराबर है, तो 8 बाई 2 लेस देन इक्वल टू p, तो 4 लेस देन इक्वल टू p, मतलब p ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है ना। सिमिलरली यहाँ पे देखो, तो ये 2p माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 17 है, तो 2p लेस देन इक्वल टू 17 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 18, 2p, तो p लेस देन इक्वल टू 9 है, राइट। तो यहाँ पे क्या लाई कर रहा है, p ग्रेटर देन 4 और लेस देन 9 है, यहाँ पे इंक्लूडेड वैल्यू है, ठीक है। तो बेसिकली p किसके बीच में लाई कर रहा है, 3 से 6 के बीच में, ठीक है, ये लिख लो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 4 लेस देन 11, ठीक है, तो 2x माइनस 5 लेस देन 5x प्लस 4 लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिया है, तो लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 4 है, तो ये -5x इसको इधर रखो, इसको भी इधर लो, ठीक है, तो -5x आएगा, ये 4 क्या लिखा है, तो गलत लिख दिया, चलो मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो अपना सेकंड, ये 2011 में है, ठीक है, तो 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 4, पहले ये दोनों को लो, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 4, राइट। तो -5 को इधर रखो और -4 इधर लो, lt 5x - 2x, तो lt 3x हो जाएगा, और ये -9, तो lt x, और 3 को नीचे लेंगे तो -9/3, तो -3 lt x, मतलब x > -3 है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करो, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट क्या है, 5x + 4 < 11, तो 5x < 11 - 4 = 7, 5x, तो x < 7/5 आएगा, राइट। तो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कर सकते हैं, ये मान लो माइनस, ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है, एक्सक्लूडेड, ठीक है। देखो ये पूरा सॉल्व करने के लिए पहले ये पार्ट लेता हूँ, ठीक है, यहाँ देखो, देखो -3 < -1/2 - 2x/3, ये पार्ट कर लिया, राइट, इधर देखो, तो -3 इसका एलसीएम 6 होगा 2 और 3 का ना, तो यहाँ पे आएगा -3 - 2 × 2x, बराबर है। अभी 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, -3 × 6 < -3 - 4x, बराबर है, -18 < -3 - 4x, बराबर है, ठीक है ना। तो -18 इसको इधर लूंगा तो ये +3 हो जाएगा, < -4x, कितना है, -15 ना -4x, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिवर्स हो जाता है, ये हो जाएगा 4x > 15, तो x = 15/4, रिवर्स हो जाएगा ना, ये लेस देन का साइन ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन का ही साइन, हां ठीक है, नहीं सर 4x इधर है 15 इस तरह है ना, लिखा ना, ये कैंसिल हो जाएगा ना, बराबर, तो 15 ग्रेटर देन, हां तो ये रिवर्स हो जाएगा, राइट, ये वाला पार्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब
15 greater than 4x हो जाएगा, मतलब 15 by 4 greater than x, ना? चलो ये लिख लो, फिर next part देखो, ये वाला part, जब इसको और इसको लूँगा से, ये है minus 1 upon 2, minus 2x by 3 less than equal to 5, ना? 5 by 6, LCM क्या है? 6 minus 1, minus 1 x, ये आगा ना? minus 4x, less than equal to 5 by 6, 6 से 6 cancel, तो क्या मिला? minus 3, minus 4x, less than 5, right? minus 4x इधर रखो, और ये 5 plus 3 हो जाएगा, minus 4x, इससे इसको cancel करेगा 2 times, फिर reverse हो जाएगा, right? x greater than minus 2 हो जाएगा ना? बराबर है, लिख लो, ये 2010 में आया था. पहले देखो सीओम कैसे सॉल्व करेंगे. देखो 4x minus 19 less than 3x by 5 minus 2, ठीक है? तो पहले एलसीएम ले लो, तो 4x minus 19 less than एलसीएम 5 है 3x minus 10. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 into 4x minus 19 less than 3x minus 10, ये हो जाएगा 20x minus 95 less than 3x minus 10, ठीक है? अभी इसको लेफ्ट में ले लो और इसको राइट में ले लो, तो 20x minus 3x less than minus 10 plus 95, तो ये कितना हो जाएगा? 17x less than, बताओ, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8, 85, तो x less than 85 by 17, ठीक है? नेक्स्ट देखो, 3x by 5 minus 2 less than minus 2 by 5 plus x, ठीक है? x को इधर ले लो, तो 3x by 5 minus of x less than equal to minus 2 by 5 plus 2, ठीक है? LCM ले लो 5, तो ये हो जाएगा 3x minus 5x less than equal to LCM है 5, तो minus 2 plus 10 हो जाएगा ये, ठीक है? अभी LCM cancel हो जाएगा 5 5, तो बचेगा minus 2x less than equal to 8. ठीक है, तो x less than equal to minus x रखो, ये हो जाएगा 4, cancel किया ना इसको 4 times, अभी minus से multiply कर लो, तो x greater than equal to 4 हो जाएगा, ठीक है, minus 4, minus से multiply किया ना, चलो लिख लो फटाफट, हाँ, अभी 33 number solve करेंगे, क्या बोलता है, minus x upon 3, less than equal to x by 2 minus 1 1 upon 3 less than 1 upon 6, ठीक है? तो पहले इसको arrange कर लेता हूँ, minus x upon 3 less than equal to x by 2 minus, उसको multiply कर लो 1 into 3 और plus 1 divided by 3 less than 1 upon 6, ठीक है? तो पहले इसको लेंगे साथ में, तो minus x by 3 less than equal to x by 2 minus 4 by 3, तो ये x वाले को साथ में ले लो, minus x by 3 minus x by 2 less than equal to minus 4 by 3, तो LCM कितना इसका 6, तो ये हो जाएगा minus 2x minus of 3x less than equal to minus 4 by 3, ठीक है? तो ये हो जाएगा minus 5x by 6 less than equal to minus 4 by 3, इससे cancel कर ले इसको 2 times, तो minus 5x cross multiply कर लो minus 4 into 2 less than equal to minus 8 minus 5x, minus से multiply कर लेंगे, तो 5x greater than equal to 8 हो जाएगा ना, तो x greater than equal to 8 by 5, ठीक है? ये one part हो गया, तो दूसरा part देखो, x by 2 minus इसका value कितना है, ये वाला part का 4 by 3 ना, तो 4 by 3 less than 1 upon 6, तो x by 2 इसको right में भेज दो, तो plus हो जाएगा less than 1 upon 6 plus 4 by 3, तो x by 2 less than 6 LCM है, तो 1 plus 8 हो जाएगा ये LCM, 2 से multiply करेंगे इसको, ठीक है? तो ये हो जाएगा x by 2 less than 9 by 6, तो ये देखो इधर से लो, ये हो जाएगा 3 से cancel करेंगे, तो ये 2 ये 3, और ये 2 से 2 चला जाएगा, तो x less than 3 हो गया, ठीक है? लिख लो, तो x का दो value आ गया ना, greater than 8 by 3 और less than 3, चलो लिखो, हाँ,